हेलो गाइस, मेरा नाम है नानू। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाय टाइटैनिक। गाइस, टाइटैनिक, मेरा टाइटैनिक जिसमें मेरी अधूरी कहानी है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ टाइटैनिक। जी हाँ गाइस, अपना विशाला का टाइटैनिक, वो टाइटैनिक जो सन 1912 में अप्रैल में 14 तारीख को 2:30 बजे यहाँ समा गया अटलांटिक ओशन के गर्भ में। गाइस, आज हम टाइटैनिक की अधूरी कहानी को पूरा बताने जा रहे हैं। चलिए, टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया और सिर्फ 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 तक इसे बना डाला। यह जहाज 3 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था और 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1,00,000 से ज़्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक की डेकोरेशन और चिमनियां लगाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने में इसे अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए जाना था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क को रवाना हुआ। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चल रहा था, पर 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक हिम पर्वत आइसबर्ग से टकरा गया और इससे नीचे हिस्से में पानी भरने शुरू हो गया। जहाज के हिम पर्वत से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, पर संकट के समय कुछ समझदार लोगों ने आगे आकर उनका धैर्य बढ़ाया। जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज से उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टक्कर के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद जहाज पूरी तरह से समंदर में डूबने लगा। पहले आधा टाइटैनिक पानी के अंदर जा जाता है, फिर बाहरी हिस्सा उस हिस्से को नहीं सह पाता, फिर वह भी टूट जाता है, फिर वह एकदम से पानी में सीधा खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद धीरे धीरे टाइटैनिक हमेशा हमेशा के लिए अटलांटिक ओशन के गर्भ में समा जाता है। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3,547 लोग सवार थे, जिनमें से 2,687 यात्री और 860 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 1,537 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थीं, जो कि केवल 1/3 लोगों को बचाने के लिए ही पर्याप्त थीं। अगर जहाज पर और भी लाइफ बोट्स होती तो और भी लोगों को बचाया जा सकता था, पर ऐसा नहीं होता है और जहाज डूब जाता है। इस दुर्घटना में मारे सिर्फ 306 लोगों की लाशें ही मिल पाई थीं, जिनकी अभी किसी के पास फोटो भी नहीं है, और बाकी की लाशें इतनी बुरी तरीके से गल चुकी थी जो कि लाने की हालत में नहीं थी। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था वहां का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें इंसान की मृत्यु सिर्फ 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहने की नहीं थी। इंसान वहां पर 15 मिनट में ही मर गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजियम इसके डूबने वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि वो और कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपनी आखिरी पलों को खुशी से बिता सकें। जहाज से टकराने वाला हिम पर्वत लगभग 100 फीट ऊंचा था। यह ग्रीनलैंड से ग्लेशियर से आया था। और कुछ थोड़े टाइटैनिक के बारे में फैक्ट्स भी। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। इसकी 860 मेंबर्स की टीम में से 176 काम सिर्फ कोयले को भंडियां में डालने का था। इस जहाज की चिमनियों से रोज़ाना 100 टन धुआं निकलता था। जहाज से टकराने वाला हिम पर्वत अभी भी हमारे अटलांटिक ओशियन में तैर रहा है। टाइटैनिक की 4 बड़ी बड़ी चिमनियां थीं, जिनमें से सिर्फ 3 में से ही धुआं निकलता था और बाकी की वो चौथी केवल जहाज की संतुलन और बनावट में लगाई गई थी। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक ओशियन सागर में हुई थी। जहाज का मलबा ढूंढने में 73 साल लग गए थे। काफ़ी कोशिश के बाद 1 सितंबर 1985 में टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया।
आपको जानकर हैरानी होगी कि समुंदर में टाइटैनिक जहाज के दो टुकड़े पड़े हुए मिले। दोनों टुकड़ों के आपस में दूरी लगभग 600 मीटर की है। इसके सिवाय एक मलबे के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज की कई और चीज़ें समेत लोगों की कई चीज़ें भी मिली जो इस जहाज में सफ़र कर रहे थे। तो अगर हमारी वीडियो में टाइटैनिक की कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बट गाइज, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरा भी टाइटैनिक से कुछ रिश्ता है। मैं भी अपने पिछले जन्म में टाइटैनिक पर अपनी यात्रा कर रहा था, बट अफसोस वह यात्रा पूरी नहीं हुई थी। गाइज, ये टाइटैनिक पार्ट फर्स्ट था। मैं टाइटैनिक 2 पार्ट अपनी पूरी लाइफ के ऊपर मैं आगे चल के वीडियो जरूर बनाऊं। मेरी टाइटैनिक की कहानी को आगे चल के देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन।